दोस्तों क्रिकेट में रनआउट होना भाई किसे पसंद है। वेल बैट्समैन भले ही रनआउट से बेइंतहा नफरत करते हो, लेकिन यही रनआउट फील्डिंग टीम और उनके फैंस के रोमांच को भाई दुगना कर देता है। जिस बॉल पर बैट्समैन ने शॉट खेल दिया और शॉट भी बिल्कुल सेफ हो, उसके बावजूद रन लेने के दौरान बैट्समैन की गलती या फील्डर के कमाल से टीम बैट्समैन को रनआउट करने में सफल हो जाए, फिर तो वही विकेट का मजा ही कुछ और हो जाता है। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कई बल्लेबाजों को रनआउट होते हुए देखा होगा। कुछ बैट्समैन बेहतरीन फील्डिंग का शिकार बन जाते हैं तो वहीं कुछ बैट्समैन एक्स्ट्रा रन की चाहत में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको रनआउट सिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग का कमाल है, न कि बैट्समैन के एक्स्ट्रा रन लेने की चाहत। बजाय इसके बैट्समैन अपनी मूर्खता या फिर साथी बैट्समैन की लापरवाही के कारण आउट हुए हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बैट्समैन को मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल अजीब तरीके से रनआउट हुए हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, मोहम्मद अशरफुल। दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद अशरफुल ने बांग्लादेश की ओर से खेलते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना योगदान दिया है। अशरफुल बांग्लादेश के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, 2001 से 2013 तक टीम का हिस्सा रहे हैं। अशरफुल ने 61 टेस्ट मैचेस में 2737 रन और 177 वनडे मैचेस में 3468 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रहे एक टेस्ट मैच के दौरान अशरफुल जिस तरीके से रनआउट हुए उसको देखकर आप भी उनकी नादानी पर हंसेंगे। इस बॉल पर अशरफुल शॉट खेलना चाह रहे थे पर वो बॉल को मिस कर गए। बॉल विकेटकीपर को मिस करते हुए स्लिप के फील्डर के पास चली गई, लेकिन अशरफुल को ऐसा लगा कि बॉल स्लिप के फील्डर से भी मिस कर गई है। इस गलतफहमी का शिकार होकर अशरफुल रन लेने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही अशरफुल ने क्रीज छोड़ी, स्लिप के फील्डर ने विकेटकीपर के हाथों में बॉल थमाई और विकेटकीपर ने बॉल को विकेट पर दे मारा। बेचारे अशरफुल को इस गलतफहमी का अंजाम अपनी विकेट के साथ भुगतना पड़ा। नंबर 7, श्रीवत्स गोस्वामी। दोस्तों श्रीवत्स गोस्वामी जिस तरह से रनआउट हुए उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत जरूर खराब थी, वरना भाई ऐसा किसके साथ होता है। 31 साल के गोस्वामी बंगाल की ओर से प्रथम श्रेणी मैच खेला करते हैं। एक रणजी मैच के दौरान गोस्वामी जिस तरीके से रनआउट हुए उसको देखकर आप उन पर अफसोस करेंगे। बैटिंग करते हुए गोस्वामी ने एक हल्का शॉट खेला और बॉल बॉलर के पास चली गई। चूंकि गोस्वामी क्रीज से थोड़ा आगे थे तो बॉलर ने विकेट की ओर थ्रो फेंक दिया। अपनी ओर थ्रो होते हुए देख गोस्वामी क्रीज में वापस चले गए। क्रीज में उनका बल्ला मौजूद था, लेकिन उनकी ओर थ्रो की गई बॉल सीधे उनके बल्ले से जा लगी और बल्ले से लगने के बाद बॉल विकेट को हिट कर गई। जिस समय बॉल विकेट से लगी उस समय गोस्वामी का बल्ला हवा में था, उनका एक पैर भी क्रीज में मौजूद था लेकिन वो भी हवा में ही था, तो नियम के मुताबिक रनआउट करार दे दिया गया उनको। नंबर 6, कर्टली एम्ब्रोस। दोस्तों दुनिया के महानतम गेंदबाज में शुमार कर्टली एम्ब्रोस ने क्रिकेट में कई ऐसी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एम्ब्रोस विकेट पर कई बार इस तरीके से आउट भी हुए हैं जिसको भूलना वाकई में मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान एम्ब्रोस जिस तरह से रनआउट हुए वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे उसको। इस मैच में बॉल एम्ब्रोस के पैड से लगकर हवा में चली गई। विकेटकीपर ने आगे आकर उस बॉल को कैच कर लिया। जब विकेटकीपर ने बॉल को कैच किया तब वो लगभग श्योर थे कि बॉल बल्ले से नहीं लगी है। इस वजह से जब विकेटकीपर ने देखा कि एम्ब्रोस क्रीज से बाहर खड़े हुए तब उसने कैच करने के तुरंत बाद ही बॉल विकेट पर दे मारी। एम्ब्रोस ने अपनी जगह खड़े होकर ही बैट को क्रीज की ओर बढ़ाकर विकेट बचाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में वो धीमे साबित हुए और उनके विकेट सुखड़ गए। नंबर 5, बिली स्टेनलेक। दोस्तों बिग बैश लीग मैच के दौरान बिली स्टेनलेक जिस तरीके से रनआउट हुए उनके लिए वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। बिली ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। चूंकि फास्ट बॉलर बॉल लेकर तेज दौड़ने में माहिर होते हैं, शायद इस वजह से उनके लिए दौड़ते हुए अपना बल्ला संभालना मुश्किल होता है। बिग बैश लीग के इस मैच के दौरान जब बिली और उनका साथी बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ पड़े तब ऐसा लग रहा था कि रन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बॉस ऐसा हुआ नहीं। दोनों बैट्समैन ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थ्रो बिली की ओर था तो जब बिली क्रीज की ओर पहुंच रहे थे तब उन्होंने क्रीज की ओर अपना बल्ला बढ़ाया, पर अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने अपना बल्ला जमीन पर रखा तब उनका बल्ला जमीन से ही चिपक गया और आगे खिसक नहीं सका। बल्ला छोड़कर जब तक बिली अपना पैर क्रीज में रखते उससे पहले ही बॉल विकेट से जा लगी और वो आउट हो गए। नंबर 4, मुथैया मुरलीधरन। दोस्तों श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन की गिनती दुनिया के महानतम स्पिन गेंदबाजों में होती है। मुथैया मुरलीधरन अपनी गेंदबाजी से सभी बल्लेबाजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया करते थे। उनकी यादगार परफॉर्मेंसेस आपको याद भी होगी, लेकिन कई बार वो भी फील्ड में गलती कर बैठे हैं। उन्हीं गलतियों में से एक है उनका ये रनआउट। कुमार संगकारा और मुथैया मुरलीधरन बैटिंग कर रहे थे, संगकारा स्ट्राइक पर मौजूद थे और 99 रन बना चुके थे।
शॉट खेलकर संगकारा एक रन लेने के लिए दौड़ पड़े और अपनी सेंचुरी पूरी की। सेंचुरी पूरी करने की कोशिश में संगकारा क्रीज पर पहुंचने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर मुरलीधरन की ओर देखा ही नहीं, जो एक रन लेने के बाद दूसरे रन लेने की चाहत में क्रीज से बाहर निकल चुके थे। एक्चुअली में संगकारा ने दूसरे रन के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन मुरलीधरन दूसरे रन के लिए क्रीज से बाहर आ चुके थे। मुरलीधरन को क्रीज से बाहर देख फील्डर ने विकेट कीपर की ओर बॉल फेंकी और विकेट कीपर ने मुरलीधरन को आउट कर दिया। दोनों बल्लेबाजों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुरलीधरन ये लापरवाही कर बैठे और उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। नंबर 3, यूनुस खान। दोस्तों, यूनुस खान की गिनती पाकिस्तान के महान बल्लेबाजों में होती है। उनको जब भी याद किया जाता है तो उनके साथ उनकी कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस भी याद आ ही जाती हैं। इसी के साथ क्रीज पर उनकी कुछ लापरवाही भी हमें याद आ जाती है। रन लेने के दौरान जब बल्लेबाज क्रीज में पहुंच जाए तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन यूनुस खान क्रीज में पहुंचने के बाद भी रनआउट का शिकार हो गए हैं। दरअसल हुआ ये कि यूनुस खान क्रीज में पहुंच चुके थे, लेकिन जब बॉल विकेट से जा लगी तब उनका बैट और पैर दोनों ही हवा में थे। ये क्रीज में पूरी तरह से अंदर थे, लेकिन बैट और पैर हवा में होने के कारण इनको आउट करार दे दिया गया। अब इसे यूनुस खान की बदकिस्मती कहें या फिर उनकी लापरवाही, वो फैसला आप खुद कर सकते हैं। नंबर 2, जॉर्ज बेली। इंडिया के साथ चल रहे इस मैच में जॉर्ज बेली जिस तरीके से रनआउट हुए उसमें उनकी लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह थी। शॉट खेलने के बाद जॉर्ज बेली रन लेने के लिए दौड़ पड़े। पहला रन दोनों बैट्समैन ने आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन उनका साथी बैट्समैन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। दोनों बैट्समैन दूसरे रन के लिए क्रीज से निकल पड़े। फील्डर ने नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो किया। बेली को लगा कि उनका साथी बैट्समैन रनआउट हो सकता है, इस वजह से रन लेते हुए वो पीछे मुड़कर वो विकेट की ओर देखते ही रहे और उनका साथी बैट्समैन सुरक्षित क्रीज में पहुंच गया। इस दौरान शायद जॉर्ज बेली भूल गए थे कि वो भी रन लेने के लिए दौड़े हैं। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ तो वो फिर से क्रीज की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उससे पहले ही फील्डर ने बॉल को विकेट की ओर फेंक दिया। बेली जब तक क्रीज में पहुंचते उससे पहले उनका विकेट बिखर चुका था। अगर जॉर्ज बेली दर्शकों की तरह रुककर अपने साथी बैट्समैन को नहीं देखते तब शायद उनका विकेट बच जाता, लेकिन होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। नंबर 1, एलिस्टर कुक। दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज एलिस्टर कुक को इस दौर में टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। एक समय तो ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि एलिस्टर कुक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। खैर, सचिन तो सचिन है, उनका रिकॉर्ड तोड़ना भाई साहब इतना आसान नहीं है। 261 टेस्ट मैचेस में 12,472 रन बनाने के बाद खराब फॉर्म से जूझने की वजह से 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक टेस्ट मैच के दौरान कुक 190 रन बना चुके थे और अपने दोहरे शतक के करीब थे। बॉलर उनको रोकने की हर संभव कोशिश कर चुका था, लेकिन वो विकेट पर ही टिके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुक एक और दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन तभी एक भूल उन पर भारी पड़ गई। रन लेने के दौरान कुक सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन फील्डर ने उन्हीं की ओर थ्रो कर दिया था। तो बॉल जब विकेट के पास पहुंची तब क्रीज में मौजूद कुक का बल्ला बॉल के सामने आ रहा था। कुक ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अपना बल्ला ऊपर कर लिया, लेकिन उनकी ये ऑनेस्टी उन पर भारी पड़ गई। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला हवा में उठाया बॉल विकेटों से जा लगी। बॉल विकेट से लगते ही विपक्षी टीम अपील करने लगी और नियम के अनुसार अंपायर ने कुक को रनआउट करार दिया। दोस्तों, आपको इनमें से किस बल्लेबाज का रनआउट होना सबसे ज्यादा अजीब लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।